निकलने वाली है और 2022 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत रही है। जनता एक बार फिर सपा को सबक सिखाएगी। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल करना जारी है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई दलों के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और एक बार फिर दावा किया कि बीजेपी 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है वो हवा निकलने वाली है। 2022 में 300 से अधिक कमल फिर खिलेंगे, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि सपा ने गुंडों को टिकट दिया है। जब वो जेल चला गया तो उसकी बहन को टिकट दे दिया, जिसका हिसाब जनता करेगी। समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी और इस समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में जनता बहुत करारा सबक सिखाने का काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है, जो कहा वो करके दिखाया, चाहे कर्ज माफी हो या फिर गन्ना भुगतान, सही समय पर सही काम किया। किसान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो दो दो साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। फिलहाल बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और 2022 के चुनाव के लिए उसकी तैयारी पूरी है। अगर टिकट कटने पर पार्टी से नेता भाग रहे हैं तो वहीं कई दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम भी रहे हैं और ऐसे में 2022 विधानसभा में कुर्सी की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की